हेलो एवरीवन, आज हम एक प्लान देखने जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर का, जो कि है 40 फिट बाय 60 फिट। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 40 फिट है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग 60 फिट है। इसका डायरेक्शन है ईस्ट साइड है, ईस्ट फेसिंग है। ये पूरा अकॉर्डिंग टू वास्तु डिज़ाइन किया गया है, जो कि रोड टच है। ये देखिए विथ कार पार्किंग है, पर इसकी स्टेयर सेपरेट नहीं है, स्टेयर्स इसके अंदर से ही दी गई है होम के। और बाकी ये आजू बाजू से सिट आउट एरिया छोड़ा गया है, सिट आउट नहीं, सेटबैक बोलते हैं उसको हम। सेटबैक मतलब ये होता है कि कुछ डिस्टेंस आपको छोड़ना पड़ता है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स। जैसे इन फ्यूचर, जैसे ये रोड है, अगर ये एक्सटेंड होती है तो इसमें दिक्कत ना आए आपके ओवरऑल हाउस में, इसलिए हमको सेटबैक छोड़ना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ छोड़े हैं 5 फिट 3 इंच सामने से, मतलब रोड का जो फ्रंट आ रहा है वहाँ से। और पीछे से भी छूटा है यहाँ, मतलब ये इस साइड हो गया ईस्ट फेसिंग, तो फिर ये क्या हो जाएगा, वेस्ट। वेस्ट फेसिंग में जो छूटा है वो है 4 फिट, और फिर जो साउथ में छूटा है वो सेटबैक 3 फिट छूटा है, और इस तरफ जो छूटा है वो है 3 फिट 3 इंच, मतलब नॉर्थ साइड में। अब देखते हैं हम कि सबसे पहले ये कार पार्किंग आया, एंट्री करें यहाँ से हमने, कार पार्किंग आ गई, जो कि अपना एक पॉर्टिको दिया है पार्किंग का, 12 फिट 3 इंच बाय 14 फिट। ये प्लान मैंने ही बनाया हूँ आपके लिए, समझाने के लिए मतलब। बाकी ये कोई क्लाइंट के लिए अभी डिज़ाइन नहीं किया गया है, और कोई जैसे अपन चाहें तो इसको दे सकते हैं, अगर क्लाइंट को पसंद आ गया तो ये प्लान। फिर यहाँ से सिट आउट एरिया आता है, जैसे एक और दो स्टेप चढ़ेंगे और हमारा 6 फिट 6 इंच बाय 4 फिट 9 इंच आ गया। फिर यहाँ से हम एंट्री करेंगे, यहाँ से आए, फिर ये सिट आउट आ गया, ये एंट्री हुई, अब ये लॉबी आ गई, इसको फोयर कहा गया है, फोयर भी कह सकते हैं। फिर ये हमको ये पूरा हॉल मिल रहा है, कि हॉल जो है हमारा 20 फिट 6 इंच बाय 21 फिट 5 इंच है। ये यहाँ से लेके ये मतलब 20 फिट 20.5 फिट ऐसे में और 21 फिट ऐसे में। अब यहाँ से हम हॉल पे आए, अब यहाँ से हमारा डाइनिंग जुड़ा हुआ है ये, जो कि 10 फिट 10 इंच है, और फिर डाइनिंग से ही ओपन किचन है, जो कि 10 फिट बाय 10 फिट 3 इंच है, 10 फिट ऐसे में और 10 फिट 3 इंच ऐसे में। फिर यहाँ से ये ओपन छूटा हुआ है, जिससे हमको ये वेंटिलेशन का काम करेगा ये। और फिर यहाँ से हम एक पूजा रूम भी दिया गया है यहाँ से, जैसे आपको पूजा रूम, क्योंकि ये वास्तु के अकॉर्डिंग है तो नॉर्थ ईस्ट हमारा कोना उसी तरफ आ रहा है, क्योंकि अगर हम ये वास्तु के अकॉर्डिंग देखें नॉर्थ ईस्ट कोना हमारा इधर आ रहा है, ये देखिए ये, तो ये नॉर्थ ईस्ट कोना यहाँ पड़ेगा हमारा, तो इस हिसाब से पूजा रूम दिया गया है, जिसको हम ईशान कोण बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट साइड को। फिर यहाँ से हम गए कि स्टोर रूम दे दिया गया है यहाँ से, जो कि 6 फिट बाय 10 फिट 3 इंच का है, मतलब 6 फिट बाय 10 इंच का है, सॉरी 6 फिट बाय 10 फिट का है, 6 फिट ऐसे में 10 फिट ऐसे में। फिर यहाँ से आपको स्टेयर मिल जाती है, ये हाफ टर्न स्टेयर है, हल्की सी राउंडेड है, और यहाँ से फिर आप चढ़े। फिर ये स्टोर के बाद हमको यहाँ अगर हम जाते हैं तो एक टॉयलेट मिल गया हमको, ये सेपरेट कॉमन टॉयलेट कह सकते हो आप इसको। और फिर यहाँ से मास्टर बेडरूम पड़ रहा है, जो कि 16 फिट बाय 11 फिट का है मास्टर बेडरूम। और मास्टर बेडरूम मेनली साउथ वेस्ट कॉर्नर में आता है, जो कि देखिए वास्तु के अकॉर्डिंग सही है। और वो जो फैमिली मेम्बर रहता है, जो हेड रहता है, उसके लिए मास्टर बेडरूम ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। और इसमें अटैच टॉयलेट है, जो कि 8 फिट बाय 8 फिट का है, सॉरी 8 फिट बाय 5 फिट का है। फिर यहाँ से कि बेडरूम दिया है 10 फिट बाय 11 फिट का, ओनली बेडरूम है, अटैच नहीं है, ठीक है। और एक
मतलब इसमें एक सेपरेट टॉयलेट है और एक कॉमन टॉयलेट है इस प्लान में पूरे में। और आपको हॉल अच्छा खासा मिल जा रहा है जिससे आप इजीली किचन में भी जा सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ कुछ वो भी लगा सकते हैं पार्टीशन जैसा कि डाइनिंग और किचन से डिस्टर्ब ना हो, आपको डायरेक्ट हॉल में ना दिखे। और आपको अच्छा एक गार्डन एरिया मिल गया थोड़ा सा, जो कि 6 फिट ऐसे में है और ऐसे में लगभग 8-10 फिट है ये। आप बताइए मुझे कमेंट पे कि कैसा लगा आपको ये प्लान। और शेयर और सब्सक्राइब करिए चैनल को, फिर मैं नया प्लान भी लाऊंगा एक, वो भी 40x60 होगा, क्योंकि आजकल 40x60 बहुत कॉमनली यूज़ हो रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।